वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जिसकी तारीफ मुसनसर हुसैन तारक ने भी की है। ये रूट है ऊपर राकाम्पोशी बेस कैंप और डीरान बेस कैंप के लिए। नॉर्मली फॉरनर्स के लिए 3 days ट्रैक है, 2 days गो अप एंड 1 डाउन। अगर कोई डीरान बेस कैंप तक जाना चाहता है तो उसके लिए 1, 2, 3, 4 ऑलमोस्ट 5 days का ट्रैक है ये, क्योंकि फ्रॉम राकाम्पोशी बेस कैंप आई मीन तगाफरी जिसको कहते हैं, वहाँ से फिर ग्लेशियर क्रॉस करना पड़ता है, वो 1 दिन का होता है। फिर वहाँ से फिर आगे डीरान बेस कैंप आता है, या डीरान बेस कैंप से फिर वापस आ डीरान बेस कैंप के साथ ऊपर एक लेक भी है जो बहुत मशहूर है कटेली लेक, वहाँ भी जाया जा सकता है। फिर इस साइड पे तगाफरी के ऊपर बहुत ऊँची जगह है जहाँ से अमीन एक पहाड़ी है, वहाँ से ऑलमोस्ट सब पहाड़ यहाँ जो इर्द गिर्द कुंदा में होते हैं वो नज़र आते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस तगाफरी, मोस्टली जो है ना ये जापानीज ज़्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ फूल ज़्यादा करते हैं। तो मैं भी काफ़ी मरतबा यहाँ गया हूँ, ट्रिक्स लेके गया हूँ, तो बहुत अच्छी जगह है। चाहे लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो, टूरिस्ट बहुत पसंद करते हैं। पानी जिस बहाव के साथ आ रहा है इस वक्त ग्लेशियर का पानी है, ये बहुत ही ठंडा पानी है। यहाँ बड़ी तादाद में सयाह आते हैं, यहाँ पर फॉरेनर्स भी आते हैं और इसके अलावा लोकल्स भी आते हैं, टाउन से भी आते हैं, पंजाब से, लाहौर से, कराची से और मुल्क के दीगर इलाकों से इस इलाके का रुख करते हैं। बहुत ही पुरलुत्फ जगह है और इस जगह आकर बड़ी तादाद में मुकामी सयाह भी यहाँ पर आते हैं, आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे होंगे। और इसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पर इस नाले को देखने आते हैं। और इसके अलावा पीछे जो पानी इकट्ठा है आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस वक्त। और यहाँ पर ग्लेशियर के छोटे छोटे टुकड़े भी आते हैं, वो लोग टुकड़े इकट्ठे करते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा ये एक हमारे चाचू जी हैं जिन्होंने ग्लेशियर के टुकड़े इकट्ठे किए हैं और ये ग्लेशियर के टुकड़े बर्फ, बेसिकली ये बर्फ है, ये ग्लेशियर है, इसको लेकर के लोग चले जाते हैं और पानी में डालते हैं, साफ पानी में ठंडा करके पानी पी लेते हैं। आजकल के इस दौर में जब टूरिस्ट डोमेस्टिक टूरिस्ट यहाँ पर आ रही है क्योंकि इंटरनेशनल टूरिस्ट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये राकाम्पोशी के बेस कैंप होने की वजह से ये बहुत अहमियत का हामिल है। मिनपिन से ऊपर जो राकाम्पोशी का बेस कैंप है दुनिया में बहुत खूबसूरत तरीन जगहों में शुमार किया जाता है। ख़ासकर जब ऊपर आप जाएं तो डीरान पीक और राकाम्पोशी के दरमियान 8 किलोमीटर आइस वॉल है, ये एक यूनिक है, ये इसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। उस वजह से आप ये मिनपिन जो है नगर के हवाले से कि टूरिज़्म का आप हब बना हुआ है, उस हिसाब से ये राकाम्पोशी के दामन में होने की वजह से डीरान पीक मिनपिन ग्लेशियर की वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट की हैसियत रखता है। होकर बड़े टैंक में चला जाता है और यहाँ से पानी छन कर पाइप के जरिए से नीचे टर्बाइंस में चला जाता है और नीचे पन बिजली घर लगा हुआ है जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। और यहाँ से पानी पीछे इकट्ठा होता है, ये पानी छन कर पाइप्स के जरिए से टर्बाइंस में चला जाता है। मेरे पीछे आपको ये एक लंबा सा टैंक नज़र आ रहा होगा, ये सिल्टेशन का टैंक है। यहाँ से जो जितना भी सिल्ट इकट्ठा होता है वो ड्रेन होकर नीचे चला जाता है। जो उससे अगला बड़ा टैंक है वो तकरीबन 300x60 का है, ये 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और ये सिकंदराबाद से लेकर के नीचे के तमाम इलाकों तक ये बिजली फराहम करता है सर्दियों में और गर्मियों में। फिलहाल यहाँ पर 2 मेगावाट का बिजली पैदा होती है, लेकिन यहाँ 4 से 5 मेगावाट बिजली आसानी से पैदा हो सकती है। अगर इस पर गवर्नमेंट थोड़ा सा तवज्जो दें तो
तो काफ़ी एरियाज कवर हो सकती है। फिलहाल यहाँ कम से कम मिनापिन ऊपर फेकर मियाचर से लेके सिकंदराबाद जैसर ये नहीं, तकरीबन आप ये कहें ये कोई 50-60 किलोमीटर के फासले पे जो आबादी है इन सब के लिए यहाँ से बिजली पैदा होती है। लेकिन जो पानी का सोर्स है इससे कम से कम 4 से 5 मेगावाट आसानी से पैदा हो सकती है इस नाले पर।